हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि एनिमल में रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह से होती है। एनिमल्स में स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं और ऑल टाइप्स के एनिमल्स यानी प्लांट्स के को छोड़कर जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजम बचते हैं वो सभी एनिमल्स होते हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेसेज ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रिस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेज? दीज प्रोसेसेज आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में अब तक जो हम स्टडी कर चुके हैं डाइजेशन प्रोसेस के बारे में, सर्कुलेशन प्रोसेस के बारे में, रिस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनाइजम के लिए एसेंशियल हैं, जरूरी हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के बारे में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ये सब बातें हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन्ड इफ ऑर्गेनाइजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। स्टूडेंट, जिस तरह से डाइजेशन का, रेस्पिरेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, सेम इसी तरह से रिप्रोडक्शन का भी लिविंग ऑर्गेनाइजम में इम्पोर्टेंट रोल होता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस से भी जो कंटिन्यूस जनरेशन चलती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन तभी चल सकती है तब जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगी। इसीलिए स्टूडेंट रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही जरूरी होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेज अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। कि प्रीवियस क्लासेस में प्लांट के बारे में हम अच्छी तरह सीख चुके हैं, इस चैप्टर में हम एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि उनके मोड्स क्या हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी टाइप से किस किस टाइप से रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। किस फ्रेंड, क्या आपने देखे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनके यंग वंस यानी उनके बच्चे किस तरह से कैसे दिखाई देते हैं? आपने जरूर इन्हें देखा होगा। ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वंस by completing table 9.1 shown in example at serial number 1 and 5. कि table 9.1 में स्टूडेंट आपको इनके यंग वंस के नेम फिल करने हैं और एग्जाम्पल के लिए 1 और 5 सीरियल नंबर के यंग वंस का नेम लिखा हुआ है। फर्स्ट सीरियल नंबर में ह्यूमन, ह्यूमन भी स्टूडेंट एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, इनके यंग वंस को बेबी कहा जाता है। 5 नंबर सीरियल नंबर में हैन, हैन के यंग वंस को चिक कहा जाता है। इसी तरह से हमें सेकंड से लेकर 7 तक जो सीरियल नंबर बचे उन्हें फिल करना कि कैट के यंग वन को क्या कहते हैं। स्टूडेंट बताइए, यस किटन। डॉग के यंग वंस को क्या कहते हैं? पपी। बटरफ्लाई के यंग वंस को क्या कहते हैं? कैटरपिलर। काव के यंग वंस को क्या कहते हैं? काफ। फ्रॉग के यंग वंस को क्या कहा जाता है? टैडपोल। तो इस टेबल को आपने बुक में पेंसिल से फिल कर लेना है। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न। क्या आपने देखा होगा स्टूडेंट बहुत से एनिमल्स के जो यंग वंस हैं बोन यानी जन्म लेते हैं। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर बोर्न? क्या बता सकते हैं जो चिक्स हैं, हैंस के जो चिक्स हैं वो कैसे बोर्न करते हैं? जो कैटरपिलर हैं, बटरफ्लाई के कैसे बोर्न होते हैं? यस, एग्ज में से निकलते हैं। हाउ आर किटन एंड पपीज आर बोर्न? किटन पपीज जो किस तरह से बोर्न होते हैं? डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक्ड द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ? किस पॉइंट हमने देखा कि इनके जो यंग वंस हैं, जो किटन हैं, पपीज हैं, वो बोन के टाइम भी ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे बाद में दिखते हैं, बट जो चिक्स हैं, कैटरपिलर हैं,
वो मेरे उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे फ्रॉक है, फ्रॉक का टेडपोल है, स्टार्टिंग में वैसा दिखाई नहीं देता जैसा बड़ा होने के बाद दिखाई देता है। इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट चैप्टर में। लेट अस फाइंड आउट। जस्ट इन प्लांट्स देर आर टू मोड्स बाई विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेम स्टूडेंट प्लांट की तरह ही, जिस तरह से प्लांट में टू टाइप्स से रिप्रोडक्शन होता है, उसी तरह से एनिमल्स में भी टू टाइप्स से रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7th। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कैन यू नेम दीज पार्ट्स। कि स्टूडेंट क्लास 7th में स्टडी किया था, प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्लांट्स के पार्ट काम करते हैं। क्या आप इनके नेम बता सकते हैं स्टूडेंट? यस, स्टैमेन एंड स्टिल, ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो कि फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। इन एनिमल्स आल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस जैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट। इट इज अ जायगोट विच डेवलप्स इंटू ए न्यू इंडिविजुअल। किस स्टूडेंट प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स में भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इन्हें ऑर्गन्स कहा जाता है। इन ऑर्गन्स में जैमेट्स बनते हैं, यानी जो सेल होते हैं वो बनते हैं, और ये जैमेट्स फ्यूज यानी कि फर्टिलाइज होकर जायगोट का रूप लेते हैं, और वो जायगोट डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट्स। इसकी स्टार्टिंग स्टूडेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी स्टार्टिंग मेल एंड फीमेल जो सेल्स हैं उनके फ्यूजन से यानी फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। स्टूडेंट इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, कुछ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन हुमेंस एंड स्टडी द प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। कि हुमेंस में स्टूडेंट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उन्हें स्टडी करेंगे, और इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टू सप्रम डक्ट्स एंड ए पैनिक। फिगर 9.1 में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाए गए हैं जिसके नेम है टेस्टिस, टू सप्रम डक्ट एंड पैनिक। दिस टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल जेमेट्स कॉल्ड सप्रम्स। कि इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेल बनते हैं उन्हें सप्रम कहा जाता है। मिलियंस ऑफ सप्रम आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। लुक एट फिगर 9.2 विच शोज द पिक्चर ऑफ सप्रम। दो सप्रम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज ए हेड, ए मिडल पीस एंड ए टेल। डज इट अपियर टू बी ए सिंगल सेल। कि स्टूडेंट जो सप्रम होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेल बनते हैं जिन्हें सप्रम्स कहा गया है, ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम इन्हें अनएडेड आई से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक डिवाइस की आवश्यकता होती है। ये दिखाया गया है ह्यूमन सप्रम, जो कि एक सिंगल सेल होता है। इसका एक हेड पार्ट है, एक मिडल पीस है और एक टेल है। इसका साइज इतना स्मॉल है कि इसे हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकेंगे। और फिगर 9.1 में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाए गए हैं जिसमें थ्री ऑर्गन्स हैं, सप्रम डक्ट्स, पैनिक्स एंड टेस्टिस, टू टेस्टिस और टू सप्रम डक्ट, वन एंड टू और वन पैनिक होता है। और इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेल बनते हैं
उन्हें सप्रम कहा जाता है, दिस इज सप्रम सेल, कि सप्रम इज ए सिंगल सेल विच ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, कि एक सिंगल सेल होता है जिसमें सेल के सभी कंपोनेंट हैं। जो मिडल पीस है उसमें देख सकते हैं न्यूक्लियस दिखाई दे रहा हमें। पहले जानना चाहती है व्हाट पर्पज डज द टेल इन द सप्रम सर्व, कि जो सप्रम सेल है उसमें टेल का क्या फंक्शन होता है। कि स्टूडेंट जिस तरह से फिश की जो टेल है उसे किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, फिश की टेल उसे मूवमेंट करने में यानी आगे बढ़ने में, इसी तरह से सप्रम सेल की जो टेल है इसे मूवमेंट करने में आगे हेल्प करती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज यानी टू ओवरीज, ओविडक्ट से एंड यूट्रस। द ओवरी प्रोड्यूसेज, फिगर 9.3 में देख सकते हैं स्टूडेंट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, ओविडक्ट, ओवरी एंड यूट्रस। द ओवरी प्रोड्यूसेज, जो ओवरी पार्ट होता है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ओवरी प्रोड्यूस फीमेल जेमेट्स कॉल्ड ओवा, ओवरी में फीमेल जेमेट्स यानी कि जो फीमेल सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जिसे ओवा कहा जाता है या एग्स भी कहा जाता है। इन ह्यूमन बींग्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, कि हर महीने स्टूडेंट फीमेल जेमेट्स से यानी एक ओवा रिप्रोड्यूस होता है। यूट्रेसिज इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, यूट्रेसिज वो पार्ट है जहाँ पर जो बेबी है वो डेवलप होता है। लाइक द सप्रम एंड एग इज आल्सो ए सिंगल सेल, कि जिस तरह से स्टूडेंट मेल जेमेट है सप्रम, इसी तरह से फीमेल जेमेट यानी जो सेल है ओवा वो भी एक सिंगल सेल है, और ये भी बहुत ही स्मॉल साइज का होता है जिसे हम एनएडिडाई से नहीं देख सकते। ह्यूमन ओवम दिखाया गया फिगर 9.4 में, दिस इज ह्यूमन ओवम यानी फीमेल जेमेट, इसमें भी एक न्यूक्लियस है, बीच में साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, यानी एक सिंगल सेल है। इस तरह से स्टूडेंट ये फीमेल जेमेट्स होता है। बूजो रिकॉल्स दैट, बूजो आपको याद दिला रहा है, साइज ऑफ एग्स इन एनिमल्स वेरीज, कि एनिमल्स में जो एग का साइज है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस, मच लार्जर इन हेंस, ओस्ट्रिच एज इज लार्जेस्ट। कि स्टूडेंट जो सेल के साइज हैं, पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किए थे, सेल के साइज बहुत ही स्मॉल हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन एग जो होता है ह्यूमन सेल होते हैं, और लार्ज भी हो सकते हैं, जैसे हैन का एग है उसे हम इजिली देख सकते हैं, और सबसे लार्जेस्ट जो एग है ऑस्ट्रिच बर्ड का एग होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है। सो स्टूडेंट आज आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करना है, नेक्स्ट टाइम हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, इसे भी एक बार जरूर रीड कर लेना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को भी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छा समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।